नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में और आपके साथ मैं हूं साक्षी। दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी इंदौर में स्वाद का 3 दिनी उत्सव यानी कि मैंगो जत्रा का शुभारंभ हो चुका है, जहां कई प्रजाति के आम और आम से बनी कई चीजें खासकर इंदौरियों को काफी पसंद आ रही है। तो आइए इसी पर दिखाते हैं न्यूज 29 इंडिया की खास रिपोर्ट। फलों के राजा आम को कौन नहीं जानता। यह वो रसीला फल होता है जिसकी खुशबू और नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। भारतीय इसकी मूल प्रजाति को आम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। आम को फलों का राजा क्यों कहते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले इसकी प्रजाति केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलने लगी। आम का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल माना जाता है। वहीं बांग्लादेश में आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। इंदौर में शुरू हुए मैंगो जत्रा में आमों की कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिल रही है। कोंकण में देवगढ़ और रत्नागिरी के हापुस देश भर में मशहूर है। समुद्री हवाओं और कोंकणी जलवायु में पके आमों का स्वाद सभी आमों से अनूठा होता है। कोंकण की ये मिठास हर साल शहर में लगने वाले मराठी सोशल ग्रुप के मैंगो जत्रा में चखने को मिलती है। एक बार फिर स्वाद का वही उत्सव इंदौर में शुक्रवार को शुरू हुआ। ढक्कन वाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में लगे मैंगो जत्रा में देवगढ़ और रत्नागिरी के तकरीबन 25 हापुस उत्पादक आम लेकर आए हैं। इस आमों की कीमत 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक है। मैंगो जत्रा शुरू होते ही लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। आम प्रेमी यहां आए और आम खाते हुए सेल्फी खिंचाते दिखाई दिए। मराठी सोशल ग्रुप के सुधीर दांडेकर और राजेश शाह ने बताया कि स्वाद के इस 3 दिनी उत्सव में आम से बनी और भी चीजें रखी गई है, जैसे आम का छुंदा, आम भी मावा, कोकन शरबत, फनस पोली आदि। यहां लाए गए आमों का परिवहन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि अधिक तापमान और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनके स्वाद में कोई परिवर्तन ना हो। इस बार खास तौर पर इनका उत्पादन करने वाले किसानों को बुलाया है, जिससे यह जानकारी पता चल सके कि उनके उत्पादन में किस किस प्रकार की समस्याएं आती है और इसमें कितनी मेहनत लगती है। ये किसान वहाँ की तकनीक और पारंपरिक उपायों को भी बताएंगे। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा का ये 6वां वर्ष है और आज पहला दिन है। मराठी सोशल ग्रुप इंदौर में जत्रा करता है, ये आप सब लोगों को विदित है। जिस तरीके से हम लोगों ने मराठी फूड इंदौर में प्रचलित कर दिया, उसी तरह से हमारी मंशा थी कि जो अल्फांसो हापुस, जो फलों का राजा है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो महाराष्ट्र में ही पैदा होता है। सिर्फ जो इंदौर में अमूमन मार्केट में नहीं मिलता था, तो क्यों ना उस हापुस को जो अपने कृषक हैं, जो उत्पादक हैं, वो सीधे आके इंदौर वालों को वो खिलाए, ये मंशा हमारी थी। इसलिए हमने ये मैंगो जत्रा का आयोजन किया। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सर्वप्रदेश।